सिंगिंग रियलिटी शो इंडियन आइडल सीजन 12 में अपनी जबरदस्त परफॉर्मेंस को लेकर आजकल हर तरफ जिस कंटेस्टेंट का नाम है वो है पवनदीप राजन और इनके फैंस अब कई गुना बढ़ गए हैं और अब आम नागरिक ही नहीं राजनीति के क्षेत्र से भी उन्हें सपोर्ट आने लगा है। पवनदीप राजन की गायकी के उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत भी मुरीद हो गए हैं। पवन उत्तराखंड के चंपावत के रहने वाले हैं। इंडियन आइडल शो में उनकी गायकी ने धूम मचा रखी है। मखमली आवाज का जादू बिखेरने के साथ ही संगीत से जुड़े हर वाद्य यंत्र को सदे कलाकार की तरह बजाने की इनमें खूबी है। अपनी इसी खूबी की वजह से वो सोशल मीडिया में खूब प्रसिद्धि बटोर रहे हैं। उनकी इसी विलक्षण प्रतिभा पर मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत भी मुग्ध हो गए। उन्होंने बकायदा एक वीडियो संदेश के जरिए पवन के समर्थन में राज्य के लोगों से वोटों की अपील की है। उन्होंने कहा कि हमारी देवभूमि उत्तराखंड के चंपावत के रहने वाले पवनदीप राजन ने इंडियन आइडल में अपनी गायकी के दम पर न सिर्फ प्रदेशवासियों के दिलों में जगह बनाई है बल्कि उत्तराखंड का नाम भी रोशन किया है। कहा कि मैं भगवान बद्री विशाल और बाबा केदार से पवनदीप के उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। मेरी प्रदेशवासियों से अपील है कि अधिक से अधिक संख्या में पवनदीप को वोट और सपोर्ट कर उन्हें विजेता बनाएं। पवनदीप राजन ने इंडियन आइडल शो के माध्यम से न सिर्फ उत्तराखंड का गौरव बढ़ाया बल्कि गढ़वाली कुमाऊनी गीतों के जरिए देवभूमि के प्राकृतिक सांस्कृतिक धार्मिक सौंदर्य और आस्था को देश दुनिया के सामने सुरीले अंदाज में बयान किया है। तो इस तरह एक राज्य के मुख्यमंत्री भी अब पवन के लिए वोट की अपील कर रहे हैं। अब ऐसा लगता है पवन को भर के वोट मिलने वाले हैं। वो इस शो को दर्शकों के सपोर्ट से जीत भी सकते हैं। आपकी राय क्या कहती है? क्या पवन इस शो को जीतने की काबिलियत रखते हैं? राय नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। शुक्रिया।